राम राम किसान भाइयों, आज आप सरसों फसल की बात करांगा। सरसों की फसल थे देखने लग रहे हो आ थोड़ी अक्टूबर के महीने की बिजाई हो रही है और एक प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़े रहे। मैं बातचीत करांगा किसी वैरायटी लगा रखी है, कद पानी दियो और बीज कितना इस्तेमाल किया, लाइन लाइन की दूरी कितनी रखी है। नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम जी, शुभ नाम बताओ अपना। मेरा नाम है जी धर्मवीर मदानिया, चेक 14 HMH, विलेज कोला और नजदीक पड़े जी अपने हनुमानगढ़ टाउन। हाँ बिल्कुल, हनुमानगढ़ शहर के शहर है और बिल्कुल टच में जी। दर्शक थाना देखने लग रहे, मोबाइल नंबर बताओ अपना। 96-670-75-511। सरसों की फसल आप देखने लग रहे हैं, कोर थे दबा दी, सिंचाई कर दी, पहली सिंचाई कितना दिन बाद में करी, बिजाई बताओ कद की हो रही है। बिजाई हो रही है जी अक्टूबर के पहले हफ्ते की और सिंचाई करी है मैं पहली या लगभग 35 दिन। 35 और 40 दिन के बीच में, 35 और 40 दिन के बीच में ये अपनी देसी भाषा में जिया कह रहे अभी कोर दाब दी। तो आप वैरायटियों की बात करा, किसी किसी वैरायटी लगाई है। वैरायटी जी मेरे में है 16 बीघा सरसों और हर 4 बीघा पर एक वैरायटी है जी। हर 4 बीघा पर एक वैरायटी। हाँ जी, कौन कौन सी वैरायटी है जी। पहली है जी टाटा की MJ1, इनके बाद में एडवांटा 414, माइको की 80-30 और श्रीराम की 16-66। बीज की मात्रा की बात करा, एक बीघा में कितना बीज इस्तेमाल करे है। बीज लगभग 600 ग्राम बीघे हुए जी। 600 ग्राम प्रति बीघा इस्तेमाल करे। लाइन लाइन की दूरी कितनी रखी है जी। 18 इंच 1.5 फुट है जी। अब इन्हें सरसों ने सीधी करोगा या थारे एक्सपीरियंस के अनुसार पौधा पर्याप्त है। नहीं जी पर्याप्त है, तो पौधा पर्याप्त है। आप बिजाई करी बीन टाइम के गर्मी ज्यादा है जी, कुछ उगता टाइम कुछ पौधा झुलस गया, बढ़ भी गया, बिन कारण के क्या हिसाब सर की पूरी पूरी। अब जितनी आपने जरूरत थी जितनी आपने जरूरत है बीती रही है। आप सरसों देखने लग रहे हैं, सरसों कई जगह फुल्ली भी काट गई, ऊपर फूल आ गया, तो इन फूल ने नियंत्रण करने वास्ते थे के करने लग रहे हो। एंगो जी ऊपर ऊपर इनकी कटिंग करने ला रही हूँ लकड़ियों, या डंडो ऊपर मार दियो तो वो ऊपर टूट जाएगी, तो बीहू के एक तो पौधो पूरा फैलाव लेगा, सीधो ऊपर कौन चले वो पूरा फैलाव लेके फोर चला वो की मतलब एक नाली कौन होगी। एक नाली कौन होगी और पूरी फुटान निकालो पौधो। तो आपने कोई बाजार में कोई चीज खरीदने की जरूरत कौन, कई PGR दवाई करे ऊपर हार्मोन करे भी फसल की वृद्धि रुक जाए, तो एक देसी तरीको है यूं फुटान ज्यादा होगी, तने की मोटाई है जी ज्यादा होगी, आगे उत्पादन ज्यादा होगा। हाँ जी, और एक और है जी लास्ट के अंदर की है कि आज का एक्सेस फूल पहली आ गया शुरू में और ए पहली जगह फूल आ गया, पहली फली भी बना जाएगा और पहली सूख भी जाएगा, पहली पकाव ले लेगा, तब एक जगह तोड़ देंगे नहीं तो पहली पकाव कौन लेगा, इन कारण के लास्ट के अंदर सारी एक सार पकेगी सरसों। पिछले साल की आप बात करा तो मौसम की विपरीत परिस्थितियां आई, बहुत ज्यादा बदलवाई धुंध वाला मौसम रहे, एक महीने तक सूर्य भगवान दिखे को नहीं, फिर भी थोड़ा उत्पादन बताओ कितना हो बिकेगा। फिर भी 90% तो लोग तो जी मेरी बात माननी को ला रहा, लगभग मेरा उत्पादन 6 क्विंटल बिकेगी ऊपर ही निकले हो। 6 क्विंटल ऊपर, हाँ 6+ में ही रहे हो। इनका भी कई कारण है जी, एक तो जी ज्यादा धुंध खराब कौन करी नहीं, धुंध में अगर लोग फंगीसाइड ना करो बांगे नुकसान ज्यादा हो। हाँ बिल्कुल सही बात बताई है, तना गलन ज्यादा प्रभावित हो। हाँ धुंध खराब कौन करे, पर जो रोग आ गयो वो समझ में आयो कौन लोग। और कहने का मतलब है सरसों जितनी छिद्दी रहेगी एयर संचार अच्छा होगा, सूर्य को प्रकाश भी अंदर जाएगा तो बीमारी कम आवेगी। बीमारी कम आवेगी और दूसरी बात आ कि सल्फर को प्रयोग जरूर करो, सल्फर 2-3 तरह की आवे जी, चाहे स्प्रे में कर लो चाहे बिन जमीन में दे दो, स्प्रे बाद 3-4 काम करेगी, एक तो पालो कौन मारने देगी सरसों ने, और दूसरी फंगीसाइड बहुत ही बढ़िया है जी सल्फर, और सरसों में तेल की मात्रा बढ़ावेगी, सरसों में तेल की मात्रा भी बढ़ावेगी। किसान भाइयों 80% पाउडर वाला सल्फर आवे जो फंगीसाइड आवे, 2 किलोग्राम यूरिया के अंदर मिक्स करके पहले पानी में जब सिंचाई करा तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। बेंटोनाइट तो सिर्फ थे बिजाई में प्रयोग करना, प्रथम सिंचाई के समय दानेदार न करके पाउडर वालो लो, और अगर जो स्प्रे करनी है बाद में तो एक आवे है हारू नाम की सल्फर है, बिंग स्प्रे करो, स्प्रे करो बिंग कम से कम 2 स्प्रे जरूर करो, नहीं तो एक तो करनी ही करनी है। और तना गलन वास्ते एजोस्ट्रोबिन प्लस टेबू केनाजोल आंगी स्प्रे करोगा 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब में मिला के, बहुत सारा किसानों में एक्सपीरियंस देखा, एक तो 55 दिन पर और जब एक लगभग 75-80 दिन की करो भी 2 फसल कर दी तना गलन आवे ही कोनी। हाँ जी,
और आप बात कर ले अब जी सरसों का पौधा खराब होने लग रहा है। मैं थारो खेत चेक कर रहे हो, मैं ज्यादा तो कोनी लेकिन 5-7% पौधा देखने ने मिले। हाँ जी है, जद मिले ही कोनी ज्यादा मिले जी, कम है बेंगा भी। देखो जी कई कारण है, बेटे में एक तो गर्मी ज्यादा ही और पीछे बारिश ज्यादा ही बेंगा, ग्वारगो भी आप हमारे थोड़ा सा प्रभाव रहे हो, ग्वारगो उत्पादन बीमारी ज्यादा। हाँ तो किसान भाइयों आज की बीमारी अपन देख लग रहा है बैक्टीरियल रोट बीमारी है और कॉलर रोट। जड़गे सारू है थे बुंटो देखोगा, जो सुख है जड़गे सारू है, नीचू जड़ स्वस्थ है ऊपर पौधा स्वस्थ है, लेकिन जो मिट्टी के संपर्क में आवानी बटू जड़ सूख जाए। हाँ जी, तो हमारा वैज्ञानिक बताएंगे लिए थे स्टेप्टोसाइक्लिन 200 ppm प्रति लीटर पानी के हिसाब, यानी बैक्टीरियमाइसिन दवा भी थाने बाजार में मिल जाएगी। 40 ग्राम दवाई है जो की 100 लीटर पानी में मिला के थे स्प्रे करनी है। सागर कार्बेडिजम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी है, 100 लीटर पानी में 3540 ग्राम बैक्टीरियमाइसिन और 200 ग्राम कार्बेडिजम, या फिर जैविक आप करना चाहो तो सुक्के में थे स्प्रे कर सको। स्यूडोमोनास है जो 400 ml 100 लीटर पानी में और ट्राइकोडर्मा लिक्विड है 400 ml है, दोनों मिला के स्प्रे करोगे तो निश्चित रूप किसानों ने फायदा मिलेगा और आज की बीमारी है निजात मिलेगी। और पानी लेट लगाना है, कोशिश करो 40 दिन बाद में लगाओ पानी। और यूरिया की मात्रा है कथे बताने लग रहे, 2 टुकड़ा में दो, 2 टुकड़ा एकदम 35-40 किलो ना दो। हाँ जी, अगर 30 किलो दो तो 15 किलो पहला दे दो 15 बाद में, यदि 25 किलो दो तो मैंने 2 भागा में बांट लो तो निश्चित रूप में फायदा मिलेगा। और किसानों ने क्या संदेश देना चाहो, सरसों की फसल का थे अच्छा जानकार हो और लंबे समय सरसों की खेती करने लाग रहे हो और खुद ही खेत के अंदर काम करने लाग रहे हो, ऊपर सरसों तोड़न लाग रहे हो और अब जी थे को भी जमीन बत्तर आ जाएगी तो अंदर तिरपाली चलाओगा, कोई खरपतवार हुआ तो निनाण को काम भी करोगा। इन अंदर जी एक तो कठी कठी अगर ज्यादा है तो बटे पाती मारांगा, दूसरी हेरू या सिलर जो भी चीज मारे सेट बैठा वो बाहर जरूर निकालांगा भाई। जितनी जमीन पोली रहेगी, जितनी जमीन पोली रहेगी दूसरो पानी जल्दी कौन मांगेगी, और जड़ के सारे माटी भी लग जाएगी, जड़ भी मजबूत रहेगी, जड़ मजबूत रहेगी वो तो इन्हें बिना बाद में जब हवा आवेगी तो इन्हें बिना डोले को कौन और आगे उत्पादन है जो प्रभावित कौन होगा, पौधो गिरने का चांस कम होगा। यहाँ कौन की कई बार की अंधी हो है तूफान आ जाए या तो फलियां बाहर ज्यादा हो जाए, फलियां बाहर ज्यादा हो जाए तो पौधो बिल्कुल ही जमीन के लाके ना हो जाए, बाह कहानी कम होगी। तो किसान भाइयों एक सरसों का प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़े ना धर्मवीर जी, अच्छी खेती करे तो नमस्कार धर्मवीर जी, चैनल से जुड़ने वास्ते धन्यवाद। राम राम जी, राम राम जी। किसान भाइयों वीडियो थाने किया लगे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो शेयर करो दूसरा किसान तक पहुंचाओ, और एक समस्या आने लग रही है सरसों में तो 2 सावधानी बताइए, पिल्लो पानी लेट लगाओ। अरे महाराज का सेवर अनुसंधान केंद्र है भरतपुर का वैज्ञानिक है जो अपनो सरसों को डायरेक्टरेट सेंटर है वह जगह वैज्ञानिक सलाह देने लग रहे, सलाह ने थे अपनाओगे तो निश्चित रूप में फायदा मिलेगा। नमस्कार जी, धन्यवाद।